तो रात को मैं रुका था इस कमरे में और इस लॉज की कीमत है 600 रुपये और हमें मिला है बात करके 500 रुपये में। और ये लॉज है कामा रेड्डी में, और कामा रेड्डी में आपको ज़्यादातर लॉजेस मिलेंगी, रास्ते में आपको बहुत कम मिलेंगी। हम 60 किलोमीटर आगे आ गया हूँ मैं, मेरे भाई एक जिसने मेरी हेल्प की वो भी मेरे साथ ही रुके रात को, और 60 किलोमीटर वो हम आए थे आगे एक साथ, ठीक है। वो बाइक पे थे, मैं साइकिल पे था, और बस चलते चलते आगे थे। ही डोंट वांट टू बी ऑन कैमरा, कैमरे पे नहीं आना चाहते, इसलिए बाद में बात करें तुम। तो अभी मैं निकलने वाला हूँ अपना रूम छोड़ के ये वाला, ठीक है। आज हम निकलेंगे हैदराबाद को, आज कोशिश करूंगा हैदराबाद पहुंचने की। हैदराबाद है 101 किलोमीटर, लेकिन मेरे साइकिल की हालत ख़राब है, मेरी हालत ख़राब है, और टाइम भी 1 बज गया है, तो देखते हैं पहुंचते हैं कि नहीं। आज हैदराबाद में रुकेंगे, और जो भाई मुझे यहां तक लेके आए हैं वो हैदराबाद में रहते हैं, और आज स्टे होगा उन्हीं के पास। हाय, हाउ आर यू? और बता दीजिए कैसे हो। थैंक यू। तो मैं जूस पीने रुका था, और भाई मेरे ने मेरे पैसे कटवाए हैं। ये भाई चला रहे हैं ये ट्रक जो सामने, और थैंक यू आपका पैसे देने के लिए। मतलब मेरे को बहुत खुशी पैदा हुआ उधर के आप मिले। अच्छा, इधर का भाषा पता कुछ अलग रहता है ना। अलग है। आपने उधर के आप मिले, मेरे को बहुत खुशी पैदा मिला। तो भाई पता क्या बोल रहे हैं साइकिल को? अभी इसको है ना, अगर मेरी गाड़ी में टांगना है तो मेरे साथ बैठ के भी चल सकते हो आप। तो भाई बोल रहे हैं बैठ के चल सकते हैं, लेकिन हमें चला के जाना है। तो थैंक यू भाई। कामा रेड्डी जो शहर है ना, उसके आगे सारा ही हरा भरा है, तो राइस ही राइस लगे हुए हैं, और बहुत सारे ना तालाब है, वो एक तालाब हुआ है, मतलब बहुत सारे तालाब है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ गांव के स्टार्टिंग में ऐसे मंदिर जैसे ऐसे गेट बनाया होता है, हर गांव में एक मंदिर है बहुत बड़ा, और गेट भी हर गांव के बाहर मंदिर जैसा ही है। पूरे हाईवे में ना, पूरा हाईवे में जो सबसे ज़्यादा पेड़ है ना वो इस साइड है, हैदराबाद वाली, हैदराबाद से 100 किलोमीटर पीछे से अच्छे मतलब शुरू हो जाते हैं पेड़। ये यात्रा है ना, देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। Okay, आपका जो भी you. है, हाँ आपका जो भी है, ये एम क्या उद्देश्य अगर आप जा रहे ना, वो बहुत अच्छी बात है। सब लोगों को नहीं तो थोड़े लोगों को तो फॉलो करना चाहिए। जी जी, हाँ? जी, 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 जी। साउथ साइड ना हरियाली बहुत है, मतलब पानी की भी कमी नहीं है, हरियाली भी बहुत है, मतलब सब काफ़ी कुछ है यहाँ पे, हरा हरा भरा मज़ेदार है पूरा। हैदराबाद रह गया 45 किलोमीटर, लेकिन 45 किलोमीटर मेरी जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि चला जाऊँ, पर पता नहीं जाया जाएगा कि नहीं। तो आप नज़ारा लीजिए इस लेक का। बहुत सारे पक्षी वगैरह बैठे हुए हैं इस लेक पे। भाई इनका भी YouTube चैनल है, और ये व्लॉग्स बनाते हैं, और ये अपनी बाइक पे लद्दाख का ड्रीम अपना पूरा कर चुके हैं। सो हाउ वाज लद्दाख ट्रिप? वेरी अनएक्सपेक्टेड ट्रिप। आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड माय लद्दाख। आई एम फीलिंग हैप्पी टू मीट दिस ब्रदर बिकॉज ही वाज ऑन बाइसिकल राइड। आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड सेफ राइड। Your channel name? Vidhu Vlogs. Vidhu Vlogs is my YouTube channel. I have ridden my Xpulse 200 till Ladakh. I have bought this bike by only 10 rupees notes until 1,50,000 10 rupees notes. I have bought it in my YouTube channel. You bought it with only 10 rupees? Only 10 rupees. Only okay, 10 rupees. You have to watch this video. Yeah. Thank you. Bas, jahan pe pahunchne hain 8 km reh gaye. Battery zero and बस चल रहा हूँ। आप ही ला रही है तो पैदल रेड के लेके जा रहा हूँ, और वेट कर रहा है भाई मेरा वहाँ पे जो मुझे कल मिला था, तो चलते हैं उसके पास। तो पहुँच गए फाइनली, और बिल्डिंग भी मिल गई बड़े आराम से, और भाई आ गए लेने। तो भाई अभी भी कैमरा पे नहीं आना चाहते, तो कोई बात नहीं, और आज हम रुकेंगे हैदराबाद में, और कल भी हैदराबाद में रुकेंगे, थोड़े साइकिल ठीक करवाएंगे और हैदराबाद घूमेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए आप पेड़ लगाएं, ताजो आपको हमें अच्छी सांस आए। सायनारा, बाय बाय।